आज कैफी पहाड़ों से जुड़ी एक चित्रों वाली किताब देख रही है। आइए हम भी गैफी के साथ ये किताब देखते हैं। गैफी ने देखा कि उस किताब में बहुत सारे पहाड़ बने हुए हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं? बिल्कुल सही, जहाँ बहुत सारे पहाड़ होते हैं उन क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। गैफी ने आगे एक चित्र देखा जिसमें एक साथ एक दूसरे के करीब कई सारे पहाड़ बने हुए थे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे पहाड़ों को क्या कहा जाता है? ऐसे पहाड़ों को पर्वत श्रृंखलाएं कहा जाता है। ये ऐसे पहाड़ हैं जो एक पंक्ति में एक दूसरे के करीब होते हैं। गैफी अब चित्र देखकर ये सोचने लगी कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्या आप गैफी को बता सकते हैं? बिल्कुल सही, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। गैफी ने चित्र में देखा कि पहाड़ तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और अब उसे ये जानना है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ पर है। क्या आपको पता है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है। चित्र में देखकर गैफी ने जाना कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे पेड़ और पौधे भी होते हैं। वहाँ पर पाइन, देवदार और बलूत जैसे पेड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है। गैफी ने देखा कि पहाड़ों पर काफी सारे जंगल भी बने हुए हैं। उसने चित्र में बहुत सारे जंगली जानवरों जैसे शेर, बाघ, भालू, तेंदुआ, कई प्रकार के हिरणों, बकरियां, याक, कस्तूरी मृग, भेड़, भेड़िये और हिम तेंदुए जैसे जानवरों को देखा। गैफी चित्रों वाली किताब देख ही रही थी कि तभी फैनी ने गैफी को बताया कि भारत में सबसे अधिक पहाड़ हिमाचल प्रदेश में हैं। इस राज्य में 509 नामित पर्वत हैं। फैनी ने गैफी को ये भी बताया कि हिमाचल में लोगों को हिमाचली टोपी पहनना बहुत पसंद है। गैफी को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और अब वो जानना चाहती है कि भारत में कितने पर्वतीय राज्य हैं। क्या आप गैफी की मदद करेंगे? आपने बिल्कुल सही सोचा। भारत के कुछ प्रमुख पर्वतीय राज्य हैं सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड आदि। बच्चों, क्या आपको पहाड़ों के बारे में जानने में मजा आया? अब आप यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। पर्वत श्रृंखला क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जानवर कौन से हैं? क्या आपको भारत के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम याद है? और इनके उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में सीखा।